एक नहीं दो नहीं तीन माह हो गए डॉक्टर को चेक करवाते हैं मगर दवाई नहीं मिलती। बहावलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में अद्वियात का बहरान, अस्पताल में दवाइयों की पर्चियां थामे मरीज मायूस लौटने लगे। मेडिकल स्टोरों से महंगी अद्वियात खरीदने पर मजबूर। कुछ अपने इदारों पर गौर करो हम कहेंगे तो शिकायत होगी। विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर में अद्वियात की किल्लत के संगीन मसले पर एमएस की सर्द मोहरी, मौकफ देने से इनकार किया, कहा जो दिल में आता है चला ले। अद्वियात का बहरान, मरीजों के लवाहिकीन दवाइयों की तलाश में दर बदर। महकमा सेहत मुजफ्फरगढ़ ने करोड़ों रुपए मालियत की अद्वियात और इंजेक्शन जायदुल मयाद करार देकर डीएचक्यू की पुरानी इमारत में फेंक दिए। रोही की खबर पर डीसी मुजफ्फरगढ़ ने इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया, तीन दिन में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सड़कें बनाए, गलियां ठीक करें और तालीम का मयार बढ़ाए। पंजाब हुकूमत ने सूबाई वज़रा को 2 अरब 55 करोड़ की ग्रांट दे दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बाजार के बाई इलाके डेरा गाजी खान को 1 अरब 30 करोड़ मिल गए। मुल्तान के हिस्से में 40 करोड़ आए। स्कूलों में पीने के पानी का मयार कैसा है? बहावलपुर के स्कूलों में पीने के पानी का होगा तज्जिया। डीसी शोजफ सईद के अहकाम, बच्चों के वॉश क्लब बनाने की भी हिदायत की। आजमीन हज के लिए बड़ी खुशखबरी, दरखास्तें वसूल करने की तारीख में 3 रोज की तौसी। हज दरखास्तें 9 मार्च तक वसूल की जाएंगी। गैर कानूनी शादी हॉल्स, प्लाजे और बगैर नक्शे के तामीरशुदा इमारतों के मालिकान अपना किबला दुरुस्त करें। म्यूनिसिपल कमेटी मुजफ्फरगढ़ कार्रवाइयों के लिए तैयार। पहले मरहले में मालिकान को नोटिस जारी होंगे, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। एफबीआर मुल्तान में मुतादिद अफसरान की ग्रेड 18 में तरक्की। उधर डायरेक्टोरेट जनरल पब्लिक रिलेशंस में मुल्तान के 6 इंफॉर्मेशन अफसरान की अगले ग्रेड में तरक्की। लोधरा बलोचावाला फाटक के करीब तेज गांव में आतिशजदगी, फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर काबू पाया। वजीर आजम इमरान खान की जहांगीर खान तरीन से मुलाकात, मुल्क की मजमू सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उधर डेरा गाजी खान के एमपीए सरदार अहमद अली दरेशी की वजीर आला पंजाब से मुलाकात, सियासी सूरत हाल और तरक्याती कामों बारे तबादला ख्याल किया। सियासत को तरक्की की राह में रुकावट नहीं बनना चाहिए, मेयर बहावलपुर अकील नजम हाशमी की रोही से गुफ्तगू। कहा कि मौजूदा हुकूमत तरक्याती कामों की राह में रुकावट डाल रही है, फंड्स तो हैं मगर इस्तेमाल नहीं कर सकते। शहादत की हकीकत है फना होकर बका होना। एलओसी नक्याल सेक्टर में शहीद होने वाले बहादुर सपूत खुर्रम अली की नमाज जनाजा अदा। शहीद खुर्रम का जज्दे खाकी फौजी एजाज के साथ सुपुर्दे खाक। कौनसा शरीफ में बलोच नौजवानों के जरिए तमाम बलोच कल्चरल डे, नौजवानों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरुका ने बलोची सकाफत के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया। और शेख जायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान में स्पोर्ट्स वीक, क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल टीमों के मबैन फुटबॉल मैच। मुकर्रर वक्त में फैसला ना होने पर फैसला पेनल्टी पर हुआ। क्लिनिकल टीम ने जीत अपने नाम की, जीत की खुशी में तलबा ने झूमर डांस किया।